कार्य ब्रह्मांड में अपने लिए एक बहुत ही अनोखी स्थिति हासिल करने के लिए विकसित हुआ। इसकी विशिष्टता इसी तथ्य में कि जहां तक हम जानते हैं ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शामिल है। ये अपने सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। एक प्रजाति के लिए जो रहने लायक नहीं हो सकती वो दूसरे के रहने और पनपने के लिए आदर्श घर और निवास स्थान है। इस पृथ्वी पर जीवन की कई सारी प्रजातियां हैं जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं ले पाए। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में रहती है और पनपती रहती है। हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में लड़खड़ाते हुए उस पर संपूर्ण जीवन के लिए एक जीवंत अंतरिक्ष यान बन गई। इस अंतरिक्ष यान के दो तिहाई हिस्से पानी में ढके हुए थे और इसी ने इस ग्रह को उसका नीला रंग दिया। यहाँ पर जीवन के प्रथम रूप दिखाई दिए। समुद्र के सबसे गहरे बिंदु से जीवन भूमि और सबसे ऊंचे पहाड़ों की ऊंचाई, पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मेंटल और फिर बाहरी और आंतरिक कोष थे। वहां का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य की सतह के तापमान के लगभग बराबर है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आंतरिक कोर की सीमा पर तरल बाहरी कोर पृथ्वी के आंतरिक भाग के गर्म शीतलन के कारण प्रति अरब वर्ष लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा और ठोस हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी कोर में निर्मित कन्वेक्शन करंट्स अर्थात हमारे ग्रह की चुंबकीय फील्ड्स का निर्माण करते हैं। ये हमारे ग्रह के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र ही है जो हानिकारक विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम पर हमला करने से रोकती है। कल्पना कीजिए यदि मात्र एक दिन के लिए भी ये मैग्नेटिक फील्ड्स न होती तो सारा जीवन नष्ट हो गया होता। महासागरीय धाराएं समुद्री जल की निरंतर निर्देशित गति है जो उस पर कार्य करने वाली कई शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें हवा तापमान टूटती लहर गहराई की रूपरेखा और तटरेखा साथ ही अन्य धाराओं की दिशा और ताकत के साथ इसका इंटरैक्शन शामिल है। ये समुद्री धाराएं ही जो वैश्विक कन्वेयर बेल्ट बनाती है और उन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती है जहां से ये यात्रा करती है। धरती माँ ने अपने ऊपर जीवन को पनपने देने के लिए अरबों वर्षों में स्वयं को विकसित किया है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए तत्वों के साथ बेहतरीन संतुलन बनाया है कि इसकी कई प्रजातियों के बच्चों का अस्तित्व हमेशा बना रहे। परंतु जैसे जैसे हम मनुष्य बड़े होते रहे हम और भी अधिक शक्तिशाली होते रहे। जब तक कि हम अपने ग्रह के प्रति अधिक सचेत नहीं होंगे तो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो अंततः हमें नष्ट भी कर सकता है। हम मनुष्यों को शक्तिशाली होने के बावजूद अपनी बढ़ती आबादी को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी का शोषण करने के लिए अधिक मजबूर होना पड़ेगा और अपने मूर्खतापूर्ण उपभोग के कारण कई प्रजातियों को बर्बाद कर चुके हैं। पृथ्वी ने हमें पहले से ही चेतावनियां देना शुरू कर दिया है। प्रमुख जलवायु परिवर्तन ध्रुवीय टोपी का पिघलन जो कि हमारे मीठे या ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है न केवल उसके भंडार को बर्बाद करता है बल्कि पृथ्वी की ऊपरी तह को भी विकृत करता है जिसके फिर दूरगामी परिणाम होते हैं। हम अपनी भूमि के उपजाऊपन को कम कर रहे हैं और इसकी हमें उपज देने की क्षमता चिंताजनक दर से कम हो भी रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ
आने वाले भविष्य में भोजन की कमी होना स्वाभाविक है, जिससे दंगे, युद्ध और अंततः संपूर्ण विनाश हो गया। अभी